पिछला बार श्री विधि से धान के खेती हम कैले रहे, हम सामान्य विधि के छोड़ के श्री विधि से खेती करे के लेल चिंतित रहे, कैला कि श्री विधि से खेती करे के लेल ज्यादा मजदूर लगे छे। तब हम सोचली जे श्री विधि से वो खेत में कोना पर करके देखे छे, श्री विधि खेत बीया उपचार करे में कोई मजदूर न लगे छे। श्री विधि से खेती करे के लेल बीज हम 10 मिनट में घर में उपचार कर ले छी। एक कट्ठा के बात करूँ तो नर्सरी लगावे में आधा दिन के मजदूर खर्च बढ़ जाए छे, रोपाई के एक दिन और कमैनी के आधा दिन के मजदूरी खर्च कम हो जाए छे। कुल मिला के समान विधि के बदले श्री विधि में एक दिन के मजदूरी खर्चा बढ़ जाए छे, पर ओकरा मुकाबला एक कट्ठा में 50 किलो धान बढ़ जाए छे। एकरा 10 रुपये किलो के हिसाब से जोड़ल जाए तब एक कट्ठा में 500 रुपया नाफा भेले। यही लेल हमरा मुनाफा के चलते श्री विधि में एक दिन के मजदूर खर्चा बढ़ावे के लेल हम तैयार हती। यही लेल इस साल में भी हम खेती श्री विधि से करम। जब हम श्री विधि से खेती करे के लेल शुरू कैले तबे लागल हमरा जे समान विधि से अलग ना है। हमरा सब जानकारी देवे में VRP भैया बहुत मददगार साबित भेलन। VRP भैया से समय समय पर सवाल हम पूछते रहे और हुनकर देल जानकारी मददगार साबित भेल। हमरा समान विधि के मुकाबला में श्री विधि में ज्यादा उपज भेल। श्री विधि से खेती करे के लेल अब हम हमेशा तैयार हती। इस साल फिर हम श्री विधि से खेती करम, दूसरा दीदी के भी श्री विधि से खेती करे के लेल प्रोत्साहित करम।